नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। शाम 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। केजरीवाल 2 दिन बाद अपने सीएम का पद छोड़ेंगे। इस्तीफे के ऐलान के साथ ही उन्होंने 2025 चुनाव में खुद को सीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री रहते वो जेल में तो रहे, लेकिन बेल के बाद पद छोड़ने का ऐलान क्यों किया? इतना ही नहीं, केजरीवाल के बाद दिल्ली का अगला सीएम कौन हो सकता है, इसे लेकर कयासों का दौर भी जारी है। तो केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान करने के बाद काफी ज्यादा अब सस्पेंस भी क्रिएट हो गया है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह जुड़ चुकी है। अंजलि, इस बेल पर आने के बाद केजरीवाल के सरप्राइज मूव से हर कोई भौचक्के तो रह गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये अब कि केजरीवाल की जगह अब कौन? अंदर खाने से क्या खबरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन बनेगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया पहले ही इस रेस से बाहर हैं, जैसा कि केजरीवाल ने ऐलान कर दिया था। अब निगाहें जो हैं वो आकर टिकी हैं उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पर। यानी अगर बात करें दावेदारों की, तो देखिए सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो आतिशी का है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा विभागों की जिम्मेदारी आतिशी के पास है। साथ ही साथ सूत्रों की माने तो जो प्रबल दावेदार है उनमें एक ये फैक्टर आप जो कह सकते हैं महिला होने का फैक्टर भी उनके साथ है, चूंकि इकलौती वो कह सकते हैं पूरे मंत्रिमंडल में उनके विभाग जितने विभाग उनके पास हैं उसको देखते हुए और जितना पूरा मंत्रिमंडल है उसमें इकलौती महिला चेहरा है। और हाल फिलहाल में जिस तरह से महिलाओं को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे आम आदमी पार्टी पर, जब स्वाति मालीवाल का प्रकरण हुआ तो उसके बाद एक महिला को प्रोजेक्ट किया जाए, तो ये एक कह सकते हैं कि आतिशी का नाम इन प्रबल दावेदारों में से एक है। वहीं दूसरे मंत्री जो सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार में आजकल नजर आते हैं वो सौरभ भारद्वाज हैं। पार्टी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आंदोलन के समय से जुड़े हुए हैं और अच्छे काफी करीबी जो हैं पार्टी के तमाम आला नेताओं के, अरविंद केजरीवाल के, तो उन वो भी इस रेस के एक प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बात करें गोपाल राय की, तो देखिए लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो इस पार्टी के साथ, संगठन में काफी अहम भूमिका रहती है गोपाल राय की। और जहां तक बात करें दिल्ली प्रदेश की, तो उसके भी संयोजक हैं गोपाल राय। गोपाल राय का भी नाम जरूर सामने आ रहा है। वहीं दूसरी ओर कैलाश गहलोत, जो अभी जिनके पास गृह विभाग दिल्ली सरकार का मौजूद है, वो भी एक प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। ऐसा जरूर कहा जा सकता है कि शायद मंत्रिमंडल के इन चेहरों में से ही कोई चेहरा हो सकता है जिनमें आतिशी के नाम की सबसे ज्यादा जोरों पर चर्चा है। लेकिन अगर आप अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझें तो क्या इससे इतर भी कोई और चेहरा वो ला सकते हैं? तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर आखिरी मोमेंट पर किसी और का नाम सामने आए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति आप देखेंगे तो हमेशा कुछ भी सीधे साधे या सरल तरीके से वो नहीं करते हैं, उसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल रणनीति जरूर समावेशित होती है। इसके साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं कुछ नाटकीयता भी समावेशित होती है। जिस तरह से उन्होंने अपना इस्तीफे का ऐलान 2 दिन पहले किया और कल वो इस्तीफा देने जाएंगे, इस बीच में बड़ी जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि उन्होंने उपराज्यपाल से समय मांगा है मिलने का। तो ये माना जा रहा है कि ये जो समय मांगा गया है, ये इस्तीफे की पेशकश जो है या इस्तीफा जो है वो उपराज्यपाल को सौंप सकते हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की आज एक बेहद अहम बैठक भी होनी है, शाम को PAC की बैठक होनी है। इससे पहले आज मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा के साथ अरविंद केजरीवाल सुबह मुलाकात की थी उन्होंने, और इन तमाम जो घटनाक्रम है उस पर चर्चा भी हुई। तो जाहिर सी बात है कि जितना अरविंद केजरीवाल को हम जानते हैं, जितना उनकी